मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। अगर आपको बहुत टेंशन हो रही है क्योंकि आपने अपने बेबी के साथ वेकेशन प्लान करना है और आप सोच रहे हो कि मैं एयर ट्रैवल कैसे कर पाऊंगी या क्या बेबी को कोई डिस्कम्फर्ट ना हो, तो इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम रिसेंटली अभी गोवा एक वेकेशन पे होके आए हैं जहाँ हम कबीर को बाय एयर लेके गए थे और बाय एयर ही वापस लाए हैं। तो हमारे पास है बहुत सारे टिप्स अपने रियल एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे शेयर करने के लिए, जो होपफुली आपको हेल्प करेंगे और आपकी सारी वरीज ले लेंगे ताकि आप आराम से जाके वेकेशन एंजॉय कर सको। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। वेलकम टू मॉमकॉम इंडिया। तो इससे पहले कि मैं आपको एयर ट्रैवल से रिलेटेड स्पेसिफिक टिप्स दूँ, मैं आपको दो जनरल टिप्स दूंगी। कभी भी आप बेबी के साथ वेकेशन प्लान कर रहे हो या कोई जर्नी प्लान कर रहे हो, उसके लिए सबसे पहला टिप ये है कि जब भी आपको बेबी के साथ कहीं जाना हो लंबे टाइम के लिए, तो एक लिस्ट बनाओ ताकि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आप लास्ट मिनट पर भूल जाओ। होता क्या है कि बेबी के साथ जब एक लिस्ट बनाना हम शुरू करते हैं ट्रैवल के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, डिलीट होती है, बहुत कुछ चलता रहता है। तो इसलिए बेस्ट है कि अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट दो और पेपर और पेन लेके उस पर अच्छी तरह से लिखो कि आपको क्या क्या चाहिए होगा, और जैसे जैसे आप चीज़ों को पैक करते जाओ उसको कट करते जाओ ताकि आपको पता चलता जाए कि आपने सब कुछ रख लिया है। दूसरा जनरल टिप ये है कि जल्दी पैकिंग स्टार्ट करो। समझ लीजिए आपने 25 मार्च को बेबी के साथ फ्लाई करना है या जाना है, तो कम से कम 10 दिन पहले से आपको बेबी का बैग रख के उसकी पैकिंग वगैरह सब स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे पोजीशन में नहीं आना चाहते हो कि जहाँ लास्ट मिनट बेबी का ये कपड़ा धुलना है या लॉन्ड्री करना है या कोई ना कोई चीज़ जो हो रह गई हो या अंदर पड़ी रह जाए या भूल जाओ, वो सब अवॉइड करने के लिए टाइम पे बेबी की पैकिंग स्टार्ट कर दो। तो ये तो थे जनरल टिप्स। अब बात करते हैं स्पेसिफिकली एयर ट्रैवल के बारे में। हमने ये बहुत सुना है कि बच्चों को एयर ट्रैवल में काफ़ी डिस्कम्फर्ट होता है, टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे ईयर्स में जैसे बड़ों को पेन होती है, बच्चों को भी होती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी क्रैंकी और इरिटेबल हो जाते हैं। पूरी जर्नी में ही उनका मतलब ठीक नहीं जाता है, जिससे पेरेंट्स को भी डिस्कम्फर्ट होता है, आसपास के पैसेंजर्स को भी डिस्कम्फर्ट होता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी जो पूरा जर्नी एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली अच्छा जाए और बच्चे एकदम हैप्पीली उस जर्नी को एंजॉय करें? तो मैं इस पूरे एयर ट्रैवल टिप्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करूंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे फ़्लाइट बुकिंग के बारे में। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सबसे पहला टिप इस कैटेगरी में है कि हो सके तो डायरेक्ट फ़्लाइट लो। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ जगहों का एक्सेस ही ऐसा होता है कि आपको फ़्लाइट चेंज करके जाना पड़ता है, वो एक्सेप्शंस है, बट जहाँ पॉसिबल है आपको डायरेक्ट फ़्लाइट ही लेना चाहिए। अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट्स ले रहे हो तो नॉर्मली क्या होता है कि दोबारा से आपको सिक्योरिटी के थ्रू जाना पड़ता है, वहाँ पर भी वेट टाइम होता है, फिर दोबारा से टेक ऑफ होगा, लैंडिंग होगी, तो ये पूरा प्रोसेस जो है काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो सकता है बेबीज़ के लिए। तो कोशिश करो कि डायरेक्ट फ़्लाइट लो, एक ही बार आप चढ़े, टेक ऑफ किया, लैंड किया और पूरा एक्सपीरियंस जो था आपका ख़त्म हो गया। सेकेंड टिप ये है कि जब आप ऐसे वेकेशन या ऐसा ट्रैवल अपने बेबी के साथ स्टार्ट करो तो हमेशा छोटी फ़्लाइट्स से स्टार्ट करो। सीधा ही ऐसी सिचुएशन मत क्रिएट करो जहाँ पे आप बेबी के साथ 7-8 घंटे के लिए ट्रैवल कर रहे हो, बिकॉज उसके लिए आप जितना भी प्रिपेयर कर लो बट कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ सकती है जिससे बेबी को काफ़ी डिस्कम्फर्ट हो जाए। तो थोड़ा सा उसको पहले यूज़ टू करो इस ट्रैवल पूरे प्रोसेस के। एयर ट्रैवल का प्रोसेस काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, टाइम पे 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना, फिर एयरपोर्ट पे काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बाद फ़्लाइट की काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर फ़्लाइट, फिर लैंडिंग, तो मतलब ओवरऑल काफ़ी टाइम लग जाता है। तो कोशिश करो छोटी फ़्लाइट 2 घंटे 2.5 घंटे ऐसे वाली फ़्लाइट से स्टार्ट करो। बेबी जितना जल्दी यूज़ टू हो जाएगा उसको फ़्लाइट जर्नी से प्रॉब्लम्स भी होना ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप इंडिया में रहते हो तो कोशिश करो डोमेस्टिक वेकेशंस पहले लेने की, धीरे धीरे जब आपका बेबी उस सबको लाइक करने लग जाए तो डेफिनेटली आप इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस के लिए रेडी हो। अगला टिप है कि जो फ़्लाइट का टेक ऑफ टाइम है उसको प्लान करो अपने बेबी के नैप टाइम या स्लीप टाइम के अकॉर्डिंगली। बेस्ट होता है डे के टाइम में ट्रैवल करना, क्योंकि आप छोटी फ़्लाइट लोगे और बेबीज़ भी जब दिन में नैप लेते हैं तो 1.5 से 2 घंटे की नैप होती है, तो परफेक्टली उनका जो फ़्लाइट का टाइम है वो मोस्टली नैप लेते लेते ही निकल जाएगा और उन्हें पता ही नहीं चलेगा। जो थोड़ा बहुत टाइम बचेगा उसमें वो इधर उधर देखने में बिजी हो जाएंगे, तो जो फ़्लाइट एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी कम्फर्टेबल होगा। हमने ये किया था कि हमने अपनी जो जाने की फ़्लाइट थी वो सुबह 10 बजे की करी थी, और नॉर्मली क्या होता है कि कभी 9:30 to 10 के बीच में अपनी फ़र्स्ट नैप लेता है, तो एकदम परफेक्ट टाइमिंग था। हमने उसे उठा के रखा हुआ था फ़्लाइट जब तक टेक ऑफ नहीं की, तो उसने जैसे ही फीड लिया टेक ऑफ के टाइम पे उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए अपना सो गया।
और लास्ट में इसमें बोलूँगी सीट्स अच्छी हों, ये बहुत ही ज़रूरी है बेबी के कंफर्ट के लिए और आपके कंफर्ट के लिए। बेस्ट ये होगा कि जब आप बुकिंग करा रहे होते हो तो जो फ्रंट रो होती है या उसको इन्फेंट रो या इन्फेंट सीट्स भी बोला जाता है, आप उसको बुक कराओ। बुकिंग के टाइम पे वो वाली सीट्स को ब्लॉक करना थोड़ा सा चार्जेबल होता है, मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, बट वो चार्ज उस टाइम पे दे देना बेटर है ताकि आपके पास एक कंफर्मेशन हो कि आपको सही सीट इकट्ठे मिल गई है। अगर आप ये नहीं करोगे और डिपेंड करोगे कि जिस दिन जाना है उस दिन वहाँ जाके करा लेंगे या अर्ली चेक इन करा लेंगे, तो बहुत हाई चांसेस है कि आपकी जो सीट्स हैं वो भी अलग अलग हो जाएं और आपको वो वाली सीट भी नहीं मिले, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपके साथ बेबी है, क्योंकि कोई और उसे ऑलरेडी पैसे दे के ब्लॉक कर चुका है। तो जब आप ट्रैवल बेबी के साथ कर रहे हो, स्पेशली फर्स्ट टाइम, तो डेफिनेटली वो सीट्स लो। उसमें क्या होता है कि काफ़ी एयरलाइंस आपको एक बैसिनेट दे देती हैं, तो बैसिनेट में आप जब बेबी सो रहा है तो आप आराम से उसे बैसिनेट में लिटा सकते हो, या बेबी को बैठना भी है तो भी आप उसे बिठा के वहाँ पे खेलने दे सकते हो। अगर बैसिनेट आपको नहीं भी मिलता है तो नीचे काफ़ी लेग रूम होता है इन सीट्स पे, तो वहाँ पे उस लेग रूम में आप बेबी को थोड़ी देर बिठा सकते हो, खड़ा कर सकते हो, बेबी को लेके खुद थोड़ा सा मूव अराउंड कर सकते हो। तो काफ़ी स्पेस होती है जो बहुत ज़रूरी है बेबी के साथ ट्रैवल करने में, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं 2 साल से कम के बच्चों के लिए अलग से डेडिकेटेड सीट कोई भी प्लेन ब्लॉक नहीं करता है। तो जो भी है आप और आपके पार्टनर की ही सीट है, उसी में आपको सब कुछ मैनेज करना है। तो अच्छा होगा कि अगर आप फ्रंट या इन्फेंट सीट्स जिसे बोलते हैं वो लो। बैसिनेट को आपको टाइम पे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप जाओगे जिस दिन और उसी दिन एक्सपेक्ट करोगे कि अब मैंने चेक इन कर लिया, अब मैं जाके बोलूँ कि मुझे बैसिनेट दे दो, तो एयरलाइन के पास बैसिनेट रेडी होगा, ऐसा नहीं होता है। जब आप बुकिंग कराओ उसी टाइम पे आप एक स्पेशल मेंशन कर दो, नहीं तो एटलीस्ट 1 हफ्ता पहले आप उनके कस्टमर केयर पे कॉल करो और ये स्पेशल रिक्वेस्ट करो ताकि आपकी सीट के लिए वो लोग स्पेशली बैसिनेट लगा के रखें। आइल सीट हो या विंडो सीट हो, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये टोटली आपका कंफर्ट है। हमने आइल सीट प्रेफर किया क्योंकि कबीर 1 साल का है, वो मूव अराउंड करना उसे अच्छा लगता है, तो हमें भी ये था कि मतलब वो मूव अराउंड करने में बारी बारी आप अगर विंडो से जाओगे और आइल पे कोई और बैठा है तो उनको भी डिस्टर्बेंस होती है, तो इसलिए हमने आइल प्रेफर किया था। बट आप विंडो करो आइल करो, वो टोटली आपकी कॉल है। जब बेबी सो रहा है तो डेफिनेटली कोशिश करो जो विंडो का शटर है वो डाउन हो जाए ताकि लाइट उसको डिस्टर्ब नहीं करे, तो वो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कोशिश करो कि आप साथ ही बैठो, तभी मैं बारी बारी इस बात पे स्ट्रेस दे रही हूँ कि बेबी के साथ ट्रैवल करने पे बुकिंग के टाइम पे ही अपनी सीट्स को खरीद के ब्लॉक कर दो। ये था हमारा बुकिंग सेक्शन। अब बात करते हैं पैकिंग, एयरप्लेन के लिए पैक कैसे करें। मैं आपको इसमें एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ बताती हूँ, जब आप एयर ट्रैवल कर रहे हो अपनी बेबी के साथ तो लेस इज मोर। आप जितने कम बैग जो कैबिन है या जो एयरप्लेन है उसके लिए रखोगे उतना ही आप रिलैक्स और कंफर्टेबल फील करोगे। डेफिनेटली ये होता है कि हर टिकट पे एक कैबिन बैग जो होता है वो अलाउड होता है, बट इतने सब की आपको ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप उसी को संभालते रह जाओगे। इजी एक्सपीरियंस के लिए जो आपको लेके जाना चाहिए वो है मेन एक बेबी का डाइपर बैग। आपको अपना कोई भी एसेंशियल है जैसे सेलफोन हो गया, वॉलेट हो गया, सनग्लासेस, अगर ऐसी चीज़ों के लिए आपको कुछ चाहिए तो आप एक अपना हैंडबैग छोटा सा रख सकते हो, बट मेन आप सिर्फ डाइपर बैग ही लेके जाओ। बाकी सब कुछ को चेक इन में डाल दो ताकि वो एयरपोर्ट पे ही चेक इन में चला जाए और आपको सामान उठाने की या सामान कहीं घुमा देने की टेंशन नहीं हो। डाइपर बैग पे आपको क्या पैक करना चाहिए इस पे हमने एक अलग से वीडियो किया, वो जाके देख सकते हो, बट मेन एसेंशियल्स मैं आपको क्विकली बता देती हूँ। आपके पास डाइपर्स होने चाहिए, एक्स्ट्रा डाइपर्स होने चाहिए। बच्चों को काफ़ी बार प्लेन में प्रेशर में वो पूप कर देते हैं, 1-2 बार भी कर देते हैं, तो उसके लिए आपको हमेशा तैयार होना चाहिए। आपके पास वाइप्स होने चाहिए। प्लेन का जो टॉयलेट होता है उसमें एक चेंजिंग टेबल होता है अलग से, बट चेंजिंग टेबल पर डायरेक्टली बेबी को नहीं लिटा देना चाहिए हाइजीन की वजह से। अगर हो सके तो आप एक चेंजिंग मैट कैरी करो, अगर नहीं तो भी अपना वेट पाइप लो और उसे अच्छी तरह से क्लीन करके फिर बेबी को वहाँ लिटाओ और उसे चेंज करो। इसके अलावा फीडिंग का आपके पास सारा सामान होना चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीड कराने वाले हो तो आपके पास एक नर्सिंग एप्रन होना चाहिए। अगर आप बॉटल फीड कराने वाले हो तो आपके पास एक्स्ट्रा बॉटल होनी चाहिए, बाय चांस कोई बॉटल गिर जाए, वेस्ट हो जाए, तो आपके पास एक बैकअप ज़रूर होना चाहिए। फॉर्मूला पाउडर होना चाहिए। पानी आप लेके जा सकते हो, मिल्टन का फ्लास्क हम लेके गए थे, उसमें हम पानी भर के लेके गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बेबी फूड था तो सिक्योरिटी से भी इजीली पास हो गया। बेबी के फ्लाइट के टाइम पे अगर दूध के अलावा आपको लगता है पूरे प्रोसेस में उसको कुछ और खाने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आप पैक करके ले जा सकते हो। जैसे हमारी फ़्लाइट 10 बजे की थी, हम घर से 6:30 निकले, तो जाते हुए रास्ते में मैंने कबीर को बनाना खिलाया, उसके बाद एयरपोर्ट पे पहुंच के 9:30 उसका ब्रेकफास्ट टाइम होता है तो उसको कस्टर्ड खिला दिया,
और फाइनली जब फ्लाइट टेक ऑफ हुई अराउंड 10:20 के आसपास, तब मैंने उसको दूध पिला दिया और उसके बाद वो सो गया। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसके लिए मुझे खाना क्या रखना है। बेस्ट बच्चों के लिए ट्रैवल फूड जो रहता है, पैक्ड फूड वगैरह नॉर्मली नहीं लेना चाहिए। बेस्ट ट्रैवल फूड रहता है आप फ्रूट्स रखो, ऐसे फ्रूट्स जो आप इजीली बेबी को मैश करके खिला सको। अगर आपका बेबी छोटा है तो आप कस्टर्ड कैरी कर सकते हो, आप सेरेला कैरी कर सकते हो, बिकॉज सेरेला के लिए आपको पाउडर चाहिए होता है और पानी चाहिए होता है जो आप एज इट इज़ फॉर्मूला के लिए भी कैरी करोगे। तो ये सब चीज़ें क्वाइट कन्वीनियंट रहती है। अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं तो आप वो क्विक स्नैकर्स वगैरह भी ले जा सकते हो, एनर्जी बार्स ले जा सकते हो। डेफिनेटली मतलब अपने बेबी को देख के आप फूड प्लान करो, देयर इज नो प्रॉब्लम। बहुत ज़्यादा खाना मत लेके जाओ, थोड़ा लेके जाओ, नहीं तो सिक्योरिटी पे आपको प्रॉब्लम होगा। थोड़े खाने के लिए आपको कोई मना नहीं करेगा जब तक आप ये जस्टिफाई कर सको कि ये सिर्फ ट्रैवल का जो टाइम है उतनी ड्यूरेशन के लिए ये जरूरी है बेबी के लिए। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स रखो अपने लिए भी और अपने बेबी के लिए। अभी अपने लिए एक टी शर्ट बहुत है, बेबी के लिए एक एक्स्ट्रा रखो। बाई चांस वो प्यूक कर दे या स्पिट आउट ऐसा कर दे तो वो सारा मेसी होने की वजह से अच्छा होगा कि अगर आप उसे उसके क्लोथ्स जो है वो चेंज कर दो, तो वो काफी आपको हेल्प करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिसिन बॉक्स। अपने पीडियाट्रिशियन से मिलके डिस्कस करो कि आपको ट्रैवल के लिए क्या मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी और उन जरूरी मेडिसिन को आप डायपर बैग में ही लेके जाओ। पैकिंग कैटेगरी के अंडर लास्ट पीस और बहुत इंपॉर्टेंट पीस है, एंगेज करेंगे कैसे बेबी को फ्लाइट के टाइम पे या एयरपोर्ट पे, उसके लिए आप हमेशा प्रिपेयर्ड होने चाहिए। एयरपोर्ट पे तो आपका टाइम निकल जाएगा बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें होंगी देखने के लिए तो बेबी एंगेज रहेगा, बट फ्लाइट में क्योंकि उसे एक जगह टिक के बैठना है, ज़्यादा मूव अराउंड वगैरह भी नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? तो अगर तो ऐसा कोई टॉय है या ऐसी कोई चीज़ है जो आपके बेबी को काफ़ी कंफर्ट देती है, बिजी रखती है, तो आप वो ले लो। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ऐसा लगता है मेरे एक्सपीरियंस में कि कुछ ना कुछ सरप्राइज़ होना चाहिए बेबी के लिए। सरप्राइज़ से क्या होता है कि कोई नई चीज़ होती है तो बेबी क्या होता है उसमें बिजी हो जाता है। कबीर के केस में एक्चुअली बहुत ही सिंपल हो गया हमारे लिए, जाते हुए हमारे पीछे वाली रो में एक बेबी बैठा था तो वो उसके साथ पीकाबू खेलने में बिजी हो गया था, तो वो उसको काफ़ी एंटरटेनिंग लगा। और जब हम वापस आ रहे थे तो वो जो पानी की बॉटल्स देते हैं जो हर किसी के टेबल पे रख देते हैं, तो वो उस बॉटल में बिजी हो गया था क्योंकि उसे लग रहा था कोई गेम है, सबके टेबल्स पे बॉटल है, तो वो बॉटल को ओपन करने में, क्लोज करने में, बेसिकली बच्चे अपनी अपनी इनोवेटिव गेम्स निकाल लेते हैं, उसमें बिजी हो गया था। तो बट कीप इन माइंड कि आपके पास कोई बैकअप होना चाहिए बेबी को एंगेज करने के लिए ड्यूरिंग फ्लाइट। अब अगला सेक्शन है एट द एयरपोर्ट। एट द एयरपोर्ट आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे पहला ये है कि टाइम पे पहुंचो। नॉर्मली एयरलाइंस सारी लिखती हैं कि आपको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए, बट हम डेफिनेटली लेट हो जाते हैं, अपनी तरफ से 2 घंटे पहले पहुंचते हैं सोच के कि भाई हो जाएगा, बट बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता है। आपको उन्हें टाइम देना है टू एडजस्ट एट द एयरपोर्ट एंड एडजस्ट टू द एंटायर एक्सपीरियंस। ये उनके लिए नया एक्सपीरियंस है। एयरपोर्ट पे जाके इतने लोग, इतना शोर, इतनी एक्टिविटीज़ हो रही होती है और इतनी फास्ट सब कुछ हो रहा होता है कि वो काफ़ी स्टिम्युलेटिंग हो सकता है बेबी के लिए एकदम से। मतलब एक ये कंप्लीट नई चीज़ है, तो उसे अब्जॉर्ब करने का, उसे इंजॉय करने का आप टाइम दोगे तो बेबी भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। तो इट्स अ गुड आइडिया कि अगर 3 घंटे पहले बोला है तो आप बेशक 3.5 घंटे पहले पहुंच जाओ, कोई हार्म नहीं है। यू विल इंजॉय दैट टाइम विद योर बेबी, बट यू शुड बी एट द एयरपोर्ट ऑन टाइम। द नेक्स्ट वन विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, वो है अबाउट इन्फेंट या बेबी टिकट। अब होता क्या है, जब हम बुकिंग करा रहे होते हैं फ्लाइट्स की तो हम बेबी टिकट जो है वो बुक नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें एक्स्ट्रा सीट नहीं मिल रही है, ये हम सब जानते हैं। बट जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हो तो आपके लिए मैंडेटरी यानी ज़रूरी है कि आप टिकट काउंटर, उसी एयरलाइन के टिकट काउंटर पे जाके इन्फेंट टिकट को परचेस करो यानी खरीदो। उसी के बाद जो चेक इन काउंटर है आप वहाँ जाओ, नहीं तो क्या होगा कि चेक इन काउंटर पे अब जब आप जाओगे वो आपसे मांगेंगे कि इन्फेंट टिकट दो और आपको वापस भेज देंगे टिकट काउंटर पे जहाँ से जाके आपको टिकट लेके आनी पड़ेगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपके लिए काफ़ी एग्जॉस्टिंग हो सकता है, इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट भी हो सकता है, डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि इन्फेंट टिकट आपको तभी मिलती है जब आप ट्रैवल कर रहे हो, एयरपोर्ट से ही मिलती है, टिकट काउंटर से ही मिलती है, उसी एयरलाइन के चेक इन काउंटर से नहीं मिलती, टिकट काउंटर से मिलती है। तो आपने वो पहले ही जाके खरीद लेना है और उसके बाद चेक इन काउंटर पे जाना है। हमने एयर इंडिया से फ्लाई किया था जब हम गोवा जा रहे थे तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 2,000 रुपीज़ की पड़ी थी वो इन्फेंट टिकट। इस टिकट का मतलब ये नहीं है कि आपको सीट मिल रही है, बट इस टिकट का मतलब एक रजिस्ट्री है एयरलाइन के अंडर कि आपका बेबी भी रजिस्टर्ड है टू फ्लाई एज अ पैसेंजर। और याद रखिए, बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी कैरी करना नहीं
भूलें, जैसे हम सब जानते हैं एयरपोर्ट पे आइडेंटिटी दिखाना पड़ता है, तो बेबीज के लिए आइडेंटिटी जो है वो उनका बर्थ सर्टिफिकेट कॉपी है, आप वो कैरी कीजिए और उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो है वो है प्रैम। हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि प्रैम ले जा सकते हैं नहीं, कहीं वो एक्स्ट्रा बैगेज तो नहीं हो जाएगा, और कहाँ तक प्रैम को अलाउ करेंगे, ले जाने का क्या फ़ायदा अगर चेक इन पे ही उसको ले लेंगे तो। पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, लाइफ बहुत कन्वीनियंट है एयरपोर्ट पे और एयर ट्रैवल में। तो प्रैम को एक्चुअल में आप सिक्योरिटी के थ्रू पास करा के, उस पर टैग लगा के फ़्लाइट के गेट तक, जब आप बोर्ड कर रहे होते हो तो गेट तक लेके जा सकते हो। गेट पे वहाँ पे कुछ लोग फ़्लाइट के अटेंडेंट्स जो है वो खड़े होते हैं, जो आपसे प्रैम को फिर ले लेंगे और उस प्रैम को फोल्ड करके लगेज में डाल देंगे। तो लाइफ काफ़ी कन्वीनियंट है, आराम से प्रैम को लेके जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब आप उतरोगे फ्लाइट से, डीबोर्ड होगे, तो वहीं पे वापस जब वो अटेंडेंट्स खड़े होते हैं वहाँ पे, तो आप उन्हें बोल सकते हो कि आपको उसी टाइम पे बेबी का प्रैम ला के दे दें, और आप वहीं से प्रैम में बेबी को बिठा के ला सकते हो। तो पूरा जो ट्रैवल है, जो पूरी एयरपोर्ट बड़े होते हैं, इतना चलना पड़ता है, वो जर्नी भी आपके लिए ईजी हो जाएगी। कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो छोटे एयरपोर्ट्स होते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि डायरेक्टली प्रैम आप बेल्ट से ही ले लीजिए, तो वहाँ पे वो एक्सेप्शन है, बट वो केस टू केस बेसिस पे होता है। दूसरी चीज़ जो प्रैम के केस में आपको ध्यान रखना है, कि जब सिक्योरिटी चेक होगा तो प्रैम को भी स्कैनिंग मशीन के अंडर से निकलना पड़ेगा। तो कोशिश करो कि छोटी फोल्डेबल, जो पोर्टेबल प्रैम्स होती हैं, आप वो लेके जाओ, ताकि वो इजीली फोल्ड होकर स्कैनिंग मशीन से निकल जाए। अगर आप वो नहीं ले रहे हो तो आप एक्सपर्ट होने चाहिए हो पूरी प्रैम को खोलने के लिए, क्योंकि फिर आपको पूरी प्रैम को खोल के उसको निकालना पड़ेगा और वापस से उसको जोड़ना पड़ेगा। तो दैट्स समथिंग दैट यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ। बट ये ज़रूर ध्यान रखो कि आपके प्रैम पे टैग होना चाहिए, ताकि प्रैम कहीं घूम नहीं जाए। अगला है बेबी कैरियर। अगर आपका बेबी 6 महीने तक है, 7 महीने तक है, और अभी भी बेबी के साथ आप कैरियर यूज़ कर रहे हो, वो उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, तो डेफिनेटली कैरियर लेके जाओ। फ्लाइट में भी जब टेक ऑफ होता है, लैंडिंग होता है, तो आपको बेबी को एकदम ऐसे पकड़ के बैठना पड़ता है, तो इट्स ऑलवेज कन्वीनियंट अगर आप बेबी को कैरियर में रखो। वो भी ज़्यादा सिक्योर और वार्म फील करेगा, आराम से सो भी जाएगा, सोता भी रहेगा, तो वो पोजिशन भी उसके लिए काफ़ी ईजी होगी। प्लस एयरपोर्ट पर भी आप उसे लेके आराम से घूम सकते हो। इसके अलावा फ्लाइट के केस में आप क्या कर सकते हो, सबसे मेन जो एक वरी हमारी होती है वो होता है कानों में बेबी को पेन होगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन डॉक्टर्स भी देते हैं, और आप जितनी भी रिसर्च कर लो आपको एक ही आंसर मिलेगा, कि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पे बेबी को कुछ सक करना चाहिए, ताकि जो इसकी ईयर की जो नर्व्स होती हैं ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रही हो, इससे ईयर पेन काफ़ी हद तक अवॉइड हो जाता है। दो इसकी कोई गारंटी नहीं है, जिनको ईयर पेन होना होता है उन्हें तब भी होता है, और जिनको नहीं होना होता उन्हें तब भी नहीं होता। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हो, आप बॉटल फीड करा सकते हो। अगर आपको लगता है कि बेबी को उस टाइम पे भूख नहीं लगी, तो आप पैसिफायर कैरी कर सकते हो। नॉर्मली पैसिफायर यूज़ नहीं करने चाहिए, बट ऐसे एक्सेप्शन केसेस में आप बेबी को पैसिफायर भी ट्राई करा सकते हो, तो वो बेबी को डेफिनेटली जो है हेल्प करेगा। फ्लाइट के बीच बीच में बेबी को, अगर बेबी 6 मंथ से प्लस है, तो थोड़ा थोड़ा पानी पिलाते रहो, वो भी बेबी के लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि वाइल ये एक अच्छा टिप है, बट हमारे केस में मैंने ऐसा नहीं देखा। जाते हुए हमने कबीर को फीड कराया, लैंडिंग के टाइम पे भी कराया, वो बहुत कंफर्टेबल था। आते हुए जब हम लैंड कर रहे थे तो उसको भूख ही नहीं लगी थी, तो हम उसे फीड करा नहीं सकते थे, और पैसिफायर, क्योंकि अब वो 1 साल का हो गया तो उसे समझ ही नहीं आया, तो उसने पैसिफायर रिजेक्ट कर दिया था। तो हम काफ़ी वरिड थे कि अब क्या होगा। बट लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय, आई थिंक उसने जो लैंडिंग था उसे बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया। उसने एक दो बार अपने कान टच किए, बट उसने कोई ना वो रोया, ना वो क्रैंकी हुआ, ना उसने कुछ ये दिखाया कि उसे ईयर पेन हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वाइल ये अच्छे टिप्स हैं, बट हर बेबी अलग होता है। आपका बेबी एक पूरी जर्नी को कैसे हैंडल करेगा वो टोटली उसके ऊपर है। बेस्ट ऑफ टिप्स भी हो सकता है आपके बेबी के केस में फेल हो जाए, और हो सकता है कि किसी भी टिप की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि आपके बेबी ने इतनी अच्छी तरह से उसको हैंडल कर लिया सक्सेसफुली। नेक्स्ट टिप ये है कि बेबीज़ को, जो भी बेबीज़ के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, उन्हें फ़्लाइट के टाइम पे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं फ़्लाइट के अंदर ही। एक तो नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो सारे पैसेंजर्स के लिए होते हैं, बट एक स्पेशली बेबी के साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए होते हैं। तो मेक श्योर यू आर ऑन द लुकआउट फॉर दैट। अगर नहीं हो तो आप कैबिन अटेंडेंट किसी को बुला के वो इंस्ट्रक्शन ज़रूर ले लीजिए। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है वो ये है कि हमेशा ट्रैवल करो, स्पेशली फर्स्ट फ्यू ट्रैवल्स विद द बेबी, विद अ कंपेनियन, चाहे एक हो चाहे आपकी ज़्यादा बड़ी फैमिली हो, बट कोई ना कोई आपके साथ होना चाहिए, स्पेशली आपके फर्स्ट टाइम पे। वो पूरा प्रोसेस जो है काफ़ी ईजी बना देता है, नहीं तो काफ़ी वरी रहती है। सिंपल थिंग एज गेटिंग अप फॉर वॉश
वॉशरूम, आपको खुद भी वॉशरूम जाना पड़ सकता है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो कोई ना कोई आपके साथ होगा। बेबी भी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है अगर उसके पास एक से ज़्यादा कोई है एंगेज होने में, तो आई थिंक पूरा प्रोसेस ईजी हो जाएगा। और लास्ट एंड मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टिप है जो हम जनरली यू नो शाय फील करने की वजह से नहीं करते हैं, वो है आस्क फॉर हेल्प। हमने भी ये रियलाइज़ किया कि जो लोग बेबीज़ के साथ आते हैं उन्हें वैसे ही मतलब एवरीबडी जस्ट वॉन्ट्स टू कम एंड हेल्प देम, आपको सिर्फ बोलने की देर होती है। आपको कहीं भी लगे, आपको लगे चेक इन की लाइन बहुत लंबी है और बेबी भी थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप फटाफट अंदर जाना चाहते हो, आप काउंटर पे जाओ, वहाँ पे बोलो, वो आपको स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड कर देंगे। सिक्योरिटी चेक के वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि बेबी को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप जाके बात करो। बेसिकली आपका जो ये आस्किंग फॉर हेल्प है, ये पूरा एक टर्न अराउंड हो सकता है आपके जर्नी एक्सपीरियंस में, अगर आप हर जगह पे थोड़ा थोड़ा जाके पूछो और बात करो, क्योंकि उससे आपका पूरा एक्सपीरियंस और ईजी हो सकता है। आप प्रैम नहीं ओपन कर पा रहे हो, आपको अपना लगेज उठाने में थोड़ा हेल्प चाहिए, डायरेक्शंस में हेल्प चाहिए, पूछो और आपकी पूरी जर्नी जो है वो ईजी हो जाएगी। तो ये तो थे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड टिप्स ऑन एयर ट्रैवल विद अ बेबी। अभी हम एक और वीडियो करेंगे जो होगा जनरल ट्रैवल रेडीनेस पे या ट्रैवल एक्सपीरियंस पे, पैकिंग, फूड, इन सब चीज़ों को लेके, तो बी ऑन द लुकआउट ऑफ दैट वीडियो एज वेल। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो, लगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, कॉमेंट ज़रूर करना है, हमसे शेयर करो अपने एक्सपीरियंस, अपनी क्वेरीज, अपनी वेकेशन पिक्चर्स। वी वुड लव अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो करोगे, हमें वहाँ पे लोग अपने बेबीज़ की पिक्चर्स भेजते हैं, वहाँ पे क्वेरीज भेजते हैं और हम काफ़ी जल्दी 1-to-1 रिस्पॉन्ड भी कर पाते हैं, तो वी वुड लव टू कनेक्ट विद यू देयर। हमारे IDs नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हुए हैं, आप वहाँ पे जाके क्लिक करो और आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम, फेसबुक पे चले जाओगे हमारे पेजेस पे और आप हमें वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, हम 150,000 ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं, 2 लाख की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है मॉम कॉम इंडिया फैमिली का पार्ट बनने का। डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी फ्रेंड्स एज यू कैन, बिकॉज ये बेबीज ही नहीं, आई थिंक नॉर्मल किड्स के लिए भी अप्लाई करता है। इट विल बी अ फन एक्सपीरियंस इफ़ ऑल ऑफ दिस इज टेकन केयर ऑफ। So we'll talk to you very, very soon. Thank you so much for watching MomCom India.